चीन नहीं रोक पाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के हम सदस्य बने। ये उपलब्धियां आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, और आज हम पूछना चाहते हैं कि बार बार ये पूछने की जो आपकी फितरत है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि आरएसएस को लेकर, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब इसी में नेहरू जी को याद कर लीजिए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, जब चीन ने 1962 में आक्रमण किया है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से साथ दिया सरकार का, निस्वार्थ भाव से, उसकी नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की, और अगले वर्ष यानी 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में उनको इनवाइट किया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि आप सही थे या पंडित नेहरू सही थे? राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के चुनौती के कालखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को लेकर, और इसके अतिरिक्त जो बात की बात में आप नफरती बयान आपके यहां से आते हैं, उसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं? आपके वयोवृद्ध नेता अजीज कुरैशी जी जो राज्यपाल रहे हैं, वो सीधे हिंसात्मक भड़काऊ भाषण देते हैं और इस ढंग की भाषा बोलते हैं कि लड़ना तो पड़ेगा ही, 1-2 करोड़ कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी, ये नफरत की दुकान है कि मोहब्बत की दुकान है? वैसे इतना जरूर समझ में आ रहा है, नफरत हो या मोहब्बत, है ये केवल दुकान और केवल वोट की दुकान है और वोट की दुकानदारी है, अन्यथा अभी तक आपने अपने उस नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हां लड़ो, आर पार की लड़ाई लड़ो और 1-2 करोड़ कम भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। इसलिए हम देश की जनता के सामने वो पुरानी बात भी स्पष्ट करना चाहते हैं और साफ करना चाहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई के प्यार से लेके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार तक इतनी गहरे संदेह के बादल हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर और उनकी गतिविधियां, और फिर चाहे ऐसे संस्थानों को समर्थन जिसमें न्यूज क्लिक जैसे संगठन, जिनके बारे में अमेरिका में भी रिपोर्ट आई कि शंघाई टू शिकागो, वहां से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उनको सपोर्ट मिल रहा था, फंड मिल रहा था और भारत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए, और उसके ऊपर जब कार्रवाई हुई थी तो इन्होंने उनका समर्थन किया था। और पुनः हम इस बात को दोहराते हैं, आग्रह पूर्वक दोहराते हैं कि कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को सार्वजनिक करे। क्यों? जब 2009 में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, जब चीन ने हमारी सेना में अतिक्रमण किया था क्षेत्र में, तो उस समय ना सिर्फ विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया था कि यह ओवरप्ले किया जा रहा है, उस समय के पत्रकार पर चंद घंटों में FIR दर्ज हो गई थी। कहां है भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो अंत में मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी पत्रकार और देश की जनता, आज के सूचना क्रांति के युग में जब सारी सूचनाएं सार्वजनिक रूप से सहज उपलब्ध हो गई हैं, उन चीजों को देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और कांग्रेस पार्टी की जो ये फितरत है, जो परोक्ष रूप से निरंतर हमेशा विपक्ष में रहते हुए देश को कमजोर करने की जुगत में लगे